पाकिस्तान कौमी जुबान तहरीक की काविशें आपके सामने हैं, अदलिया का फैसला आ गया, इस रास्ते को कैसे आसान बनाया जाए? मैंने अखबार में इनकी काविशों को काफी नुमाया भी किया, आइंदा भी करना है। ये तो इनका इनका पर कोई एहसान नहीं है, उर्दू पर भी एहसान नहीं, हमारा अपने ऊपर एहसान है कि हम अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत को किस अंदाज में हम मेंटेन कर सकते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि सब उर्दू में, और वज़ीर आज़म साहब हर जगह अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे, जब अंग्रेज़ी भी नहीं आती तो टूटी फूटी उर्दू बोलो वही बेहतर है कम कम। लेकिन ये खैर मेरा उनका अखबार का मसला है, ये मैं उनसे निपटते रहता हूँ। लेकिन बात यह है, मेरी अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी है, मेरी अरबी भी उतनी अच्छी है, पंजाबी भी उतनी अच्छी है, लेकिन उर्दू तो कौमी ज़बान है भाई, हम इसको अब तक इग्नोर कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर सईद अब्दुल्ला के साथ स्टूडेंट के सी एस से सड़कों पर जाकर बैनर उर्दू में लिखवाए, दुकानों के साइन बोर्ड चेंज कराए, बड़ा कुछ किया हुआ हम लोगों ने। अब भी मैंने एमए उर्दू किया हुआ, बेटी मेरी ने यूनिवर्सिटी में उर्दू में एमए उर्दू में थर्ड पोजीशन ली है, बड़ी बेटी ने उर्दू में शायरी में इनामत लिए हैं, उर्दू अखबारों की वो एडिटर रही हैं अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आप भी हैं। हम तो फैमिली के तौर पर भी उर्दू के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको जजा दे भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुबारक हो आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।